अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और सबसे पहले रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। और कुछ टाइम बाद वीडियो आ रही है, इससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्री था, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दुबई से भी वीडियोस आई और उसके बाद कुछ मसरूफ हो गया था। तो आज हमारे पास स्टूडियो में ओप्पो की तरफ से रीनो 11F मौजूद है। रीनो सीरीज ओप्पो की काफ़ी टाइम बाद लॉन्च की जा रही है पाकिस्तानी मार्केट में। रीनो 6 के बाद अब रीनो 11 सीरीज आ रही है। 20 मार्च को ऑफिशियल इसका लॉन्च इवेंट है, इंशाल्लाह लॉन्च इवेंट में भी मिलेंगे। तो रीनो 11 सीरीज की, अगर रीनो 11 की बात करें तो रीनो सीरीज जो है ओप्पो की, ये ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक सीरीज होती है। इसमें कैमरा को फोकस किया जाता है। वैसे तो ऑलराउंडर डिवाइस होती है, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, सब चीज़ें यहाँ पे आउट क्लास मिल रही होती हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा जो फोकस किया जाता है सोनी के सेंसर्स लगाए जाते हैं कैमरास के अंदर, फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा को। तो रीनो 11 सीरीज़ के अंदर रीनो 11F आज हमारे पास है, इसको एक्सप्लोर करेंगे कैसी डिवाइस है और क्या प्राइस के अंदर आ रही है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन 20 मार्च को हमारी वीडियो लगेगी उस टाइम इसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और ये 8GB रैम 256GB रोम का वेरियंट है, अभी निकाल के देखते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन क्या मिल रही हैं, डिवाइस कैसी है देखने में। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। ओप्पो रीनो 11F 5G यहाँ पे बॉक्स पे मेंशन है मॉडल, और ऊपर की साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर मेंशन है, पाम ग्रीन कलर है, 8GB रैम 256GB रोम का वेरियंट है और ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है। सबसे पहले रैपिंग उतार लेते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह एक ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, ये कुछ पेपर वर्क है, क्विक इन्फॉर्मेशन गाइड, और इसके अलावा एक सिलिकॉन केस मिल रहा है, प्रोटेक्टिव केस दिया गया है। क्वालिटी कुछ बेहतर लग रही है यहाँ पे, इसको लगा के भी देखेंगे भी डिवाइस पे। ये बॉक्स हो गया खाली। उसके बाद है हमारी डिवाइस रीनो 11F, और यहाँ पे ऊपर के साइड पे कुछ स्पेक्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर ट्रिपल कैमरा, 67 वॉट की सुपर वूक फ्लैश चार्ज मिल रही है 5000mAh की लार्ज बैटरी के अंदर, बॉर्डरलेस 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, IP65 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी मिल रही है। ज़बरदस्त यहाँ पे IP65 काफ़ी टाइम बाद किसी डिवाइस के अंदर देखने को हमें मिल रही है। ये है हमारे पास डिवाइस, पाम ग्रीन नाम है इसका। आप देख सकते हैं मूवमेंट पे आपको इसका एक ग्रीन कलर नज़र आएगा, अगर आप फ्रंट पे से देखते हैं तो ऐसा लगेगा सब ब्लैक कलर है, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ा सा मूव करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन का शेड नज़र आएगा। पाम ग्रीन है और दो बड़े बड़े कैमरा सेंसर्स हैं। डिवाइस का लुक काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे काफ़ी स्लिम, स्लीक और स्टाइलिश यहाँ पे लग रही है डिवाइस। लाइट वेट भी है बहुत, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्लैट एजेस मिल रहे हैं और राउंड कॉर्नर्स के साथ, मुझे अच्छी लगी डिवाइस फर्स्ट इंप्रेशन में। अभी मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स का कंटेंट। उसके बाद हमारे पास एक चार्जर है जिस पे यहाँ पे सुपर वूक मेंशन है। अगर मैं चार्जर की पावर देखूँ तो ये है हमारे पास 11 वॉट 6.1 एम्पीयर, यानी 67 वॉट का हमें चार्जर आउट द बॉक्स मिल रहा है। फास्ट चार्जर 67 वॉट का आउट द बॉक्स हमें मिलेगा। इसके अलावा एक चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आ रही है, आई थिंक बिल्कुल टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ ये चार्जिंग केबल आ रही है। और ये वो डिवाइसेस हैं, ये वो एक्सेसरीज हैं जो हमें रीनो 11F के बॉक्स में मिल रही हैं। और हम डिवाइस ऑन करते हैं और फर्स्ट लुक ले लेते हैं। डिवाइस यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है, ओप्पो रीनो 11F। सबसे पहले फर्स्ट लुक लेते हैं डिवाइस का। राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं, इसी के साथ पावर ऑन ऑफ की दी गई है। अप साइड पे हमारे पास ब्लैंक है, यहाँ पे सिर्फ एयर पीस मिल रहा है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे दी गई है जिसमें 3 कार्ड स्लॉट मिलेगी, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेट स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए। कॉर्नर की आपको यहाँ पे कॉर्नर साइड्स मिलती हैं, इसके अलावा फ्लैट एजेस मिल रहे हैं और काफ़ी स्लिम डिवाइस है। डाउन साइड पे स्पीकर ग्रिल है, चार्जिंग जैक है, टाइप सी कनेक्टिविटी। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बड़े सेंसर्स लगाए गए हैं, एक LED फ्लैश है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड पे, इनोवेटिव AI कैमरा की ब्रांडिंग हुई भी है, नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग हुई भी है। पाम ग्रीन कलर है मेरे पास, मूवमेंट भी आपको नजर आएगा। काफ़ी स्लिम डिवाइस है और स्लीक डिवाइस है, स्टाइलिश आप कह सकते हैं इसको। बहुत लाइट वेट फ़ोन है इसका, 177 ग्राम खाली वेट है, बहुत लाइट वेट फ़ोन है और थिकनेस भी बहुत कम है। यहाँ पे 7.54mm की थिकनेस मिल रही है, काफ़ी स्लिम, स्लीक और लाइट वेट डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पे IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रही है, यानी आउटडोर भी इजीली आप यूज़ कर सकते हैं बारिश में, या फिर काफ़ी लोगों को पसीने का इशू बहुत होता है तो मोबाइल गीला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रही है, डस्ट रेजिस्टेंट भी मिल रही है IP65 की, और ये काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही है मुझे। और ब्राइटनेस अगर हम याद करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है
फुल ब्राइटनेस में आई थिंक कैमरे में आपको वाजह यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन ब्राइटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, जिसमें आउटडोर पे पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स की है, 1100 निट्स पे पीक ब्राइटनेस पे जाता है। डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में आएगा, 1080x2412 पिक्सल्स का। स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे, इसमें बहुत लाइट बेजल्स है, बॉर्डरलेस डिस्प्ले आपको कहते हैं। इसमें 93.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल रहा है, यहाँ पे 10 bit 1 billion कलर वाला डिस्प्ले है। इसके अंदर HDR 10 प्लस की हमें सपोर्ट मिल रही है और 2160 BWM की डिमिंग भी मिल रही है, तो डिस्प्ले भी बहुत ही आउट क्लास हो रहा है। मैं आपको दिखाया, जैसे मैंने बताया फुल डिस्प्ले ब्राइटनेस फुल पे काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, और इसके रिव्यू के अंदर इसको आउटडोर पे भी चेक करेंगे, अब इंडोर पे तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले लग रहा है। इसके अलावा इस पर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी किए गए हैं, ओप्पो इस डिवाइस को यानी कस्टमर तो पहुँचाने से पहले फुल टेस्ट करता है। इसके अंदर 1,00,000 वॉल्यूम की प्रेस के चेक किया गया है, 2,00,000 दफ़ा इसके पावर बटन को चेक किया गया है, 20,000 टाइम इसके USB कनेक्शन को चेक किया गया है, डिसकनेक्ट और कनेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं इसके ऊपर, उसके बाद ये डिवाइस फिर मार्केट में आई है। अच्छा, वॉल्यूम के हवाले से बता दूँ, यहाँ पे आपको 300% वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है, देखिए अल्ट्रा वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, अल्ट्रा वॉल्यूम मोड ऑन करने का, जिसमें 300% वॉल्यूम रेज हो जाता है, जिसको हम चेक करेंगे इसके रिव्यू के अंदर कि वॉल्यूम कितना तेज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है जिसमें 300% रेज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस की कैमरास की, क्योंकि रीनो 11 सीरीज जो है वो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस होती है ज़्यादातर। इसमें बैक साइड पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, अल्ट्रा क्लियर कैमरा, इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जिसमें सोनी का IMX355 का सेंसर यूज़ किया गया है। इसके अलावा तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी वगैरह कैसी होगी वो हम चेक करेंगे डिटेल में इसके रिव्यू के अंदर, लेकिन हम जल्दी से अगर एक दो पिक्चर्स में आपको दिखाऊं, कैमरा फीचर्स दिखा देता हूं। मोर के फीचर के अंदर नाइट मोड मिल रहा है, हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, पैनोरामा, मैक्रो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, टेक्स्ट स्कैनर, स्टिकर और डुअल व्यू वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, फोटो वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पे, और स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल रहा है, स्टेबलाइज वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने इमेज कैप्चर की है आप ये स्टूडियो के अंदर ही, आप यहाँ पे देखें अगर उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरे पे कैप्चर की गई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, पिक्सल्स नहीं फट रहे इतना ज़्यादा जूम करने पे भी, तो बाकी चेक करेंगे इसका डिटेल में रिव्यू। तो फ्रंट पे भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जिसके अंदर IMX615 का सेंसर यूज़ किया गया है, सोनी का IMX615 का सेंसर है, जो कि बहुत आउट क्लास कैमरा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वैसे तो हम इसका कैमरा रिजल्ट डिटेल चेक करेंगे रिव्यू के अंदर, और मैं आपको कुछ पिक्चर्स चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे चेक की थी, कैमरा चेक कर रहा था मैं इसका, तो कैमरा तो मुझे इसका बहुत ही आउट क्लास लगा। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, ये पोर्ट्रेट कैमरा है, बिल्कुल DSLR वाली लुक दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कैप्चर की है इमेज फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा से तो मुझे इसका समझे लव हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कैमरा फ्रंट, DSLR वाला फुल लुक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट पिक्चर है और ये नॉर्मल कैप्चर की गई है पिक्चर, बहुत ही आउट क्लास है। फ्रंट कैमरे के सेल्फीज़ के शौकीन होते हैं उनके लिए डिवाइस तो फुली रिकमेंडेड डिवाइस है, उनको एक डिवाइस बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कैमरास बहुत आउट क्लास यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। इसके अलावा परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आउट द बॉक्स में चेक कर रहा था डिवाइस कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 14 के साथ आ रही है, यानी एंड्रॉइड 14 पे आ रही है डिवाइस आउट द बॉक्स, जिसमें कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 14 की अपडेट हमें मिल रही है। अभी तक काफ़ी कम डिवाइसेज हैं जो आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आ रही हैं कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 14 के साथ, मॉडल नंबर CPH2603 है। अच्छा, और यहाँ पे चिपसेट जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 की मिल रही है, और ये 8GB रैम और इसके साथ 256GB रोम का वेरिएंट है, इसको रैम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रैम एक्सपेंड हो सकती है 8GB तक, यानी 16GB रैम बन जाएगी, एक्सपेंड होगी 8GB और 16GB के साथ 256GB की हमें यहाँ स्टोरेज मिल रही है। अच्छा, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 14 के अंदर भी काफ़ी सारा नई अपडेट्स आई हैं, और एंड्रॉइड 14 और कलर ऑपरेटिंग 14 के साथ, इसके हवाले से भी एक वीडियो डिटेल बनाएंगे। अगर जल्दी जल्दी से बताऊँ सिर्फ ओवरव्यू, तो यहाँ पे एक फाइल डॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें अपनी रीसेंट फाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नए ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मार्ट टच का ऑप्शन दिया गया है, स्मार्ट इमेज मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे एक कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 14 और एंड्रॉइड 14 में जो कुछ फीचर्स नए ऐड हुए हैं उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 67 वॉट के चार्जर के साथ आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है, और इसके साथ यहाँ पे हमें एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे डिवाइस मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी है, एक ओवरऑल डिवाइस है, ऑलराउंडर डिवाइस आप कह सकते हैं। कैमरास भी, कैमरास तो बहुत ही आउट क्लास हैं, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा बहुत रिजल्ट आपको आउट क्लास मिलने वाला है। इसके अलावा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है, डायमेंसिटी 7050 है, 8GB प्लस 8GB एक्सटेंडेड रैम के साथ। इसके साथ साथ डिस्प्ले बहुत आउट क्लास मिल रहा है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है,
और कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं डिस्प्ले के, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है। इसके अलावा लुक बहुत अच्छी है, स्लाइट वेट है, स्लीक है, डिज़ाइन स्टाइलिश है, इसके साथ काफ़ी स्लिम भी है फ़ोन। तो ओवरऑल मुझे ओप्पो रिनो 11F काफ़ी पसंद आया। और कैमरा सेंट्रिक डिवाइस मैं आपको कहूँगा कि जो कैमरा के या सेल्फी के शौकीन हैं उन लोगों के लिए फुली रिकमेंडेड डिवाइस है। और बाकी इसका रिव्यू भी जल्दी लेकर आएंगे चैनल पर। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।